सर जी, मेरी बच्ची नाबालिग है। नहीं, घबराओ मत आप। तो जी मैं थाने में भी पूरी कार्रवाई कर चुका हूँ, विकलांग वैसे हूँ जी। और जी SSP और जी को ये थाना अध्यक्ष, थाना अध्यक्ष ने आपसे, थाना अध्यक्ष मेरे से जी कभी नुकहता है शाम को मिल जाएगी, कभी कहे कल मिल जाएगी, कोई थाने में कोई मेरे लिए कार्रवाई नहीं की जा रही जी। मैं अपनी लड़की को बरामद करवाना चाहता हूँ सर। और कौन लोग है जो लड़की को ले गया आपके? ये मछरौली का है जी। क्या नाम है इसका? परसुत्तम लड़के का नाम है, बाप का नाम सतीश है जी, माता का नाम ममता है जी। कोई तहरीर दे थाने में आपने? हाँ जी, तहरीर दे रखी जी, कोई थाने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी सर। कितने दिन हो गए? 14 दिन। ये आज लगभग 17 तारीख की बात है सर। आगे क्या कार्रवाई नहीं करी पुलिस, तो आप क्या करोगे आगे? मैं कोशिश यह करता हूँ जी, जो प्रशासन मेरे लिए कुछ मेरा इंसाफ दवाता है, और नहीं तो जी मैं प्रशासन के अपने थाने को जाकर मैं अपनी हत्या कर लूँगा जी। कब को? मंगलवार को जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीलम है। क्या बात हुई? हमारी लड़की 14 दिन हो गए हमारे घर से गायब है। मेरे भाई और घर पे भी नहीं थे, और हम ये बात पुलिस थाने SSP और DSP सब जगह घूम आए, प्रशासन हमारा कोई हेल्प नहीं कर रहा है। ये मेरी भाभी है और ये मेरा भाई विकलांग है, हम रात दिन उसके लिए इतने तड़प रहे हैं, प्रशासन भी हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। हाँ जी, हमारा गांव सकरपुर है। सकरपुर सांकरौर के रहने वाली हैं, और यहाँ से सहारनपुर लखनऊ कहीं कहीं धक्के धक्के खाए। वो लड़का मछरौली का रहने वाला, पूरा एड्रेस, लड़की के आधार कार्ड, नाबालिग हमारी लड़की है, आधार कार्ड, सर मार्कशीट वगैरह सब ले रहे हैं, SSP का दे रखी है हमने, तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं सर, हमारी लड़की हमें मिल जाए, बरामद हो जाए, प्रशासन उनके खिलाफ कुछ अच्छी कार्रवाई करे, जिससे लड़का दोबारा ऐसी हरकत ना करे। उसका एक नहीं तीसरा चांस है। हमारी लड़की तीसरी बार हमारी लड़की के साथ उसने ऐसा करा कि दूसरी लड़की है उसके। अब आगे क्या कदम उठाएंगे आप? हमें कोई समाधान नहीं मिला हमारी समस्या का, हम ये हमारी प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, हम पुलिस थाने जाके दाह संस्कार करेंगे। मंगल आगे ये एक कदम हमारा कि उम्मीद थी, मगर अब नाम गए। अगर हमारी प्रशासन मंगलवार तक कोई कार्रवाई करेगी तो हम वहाँ पे अंतिम दाह करेंगे, जाने के बाद अंतिम दाह करेंगे वहाँ पे। अगर ये क्वेश्चन हो गई 10 बजे के बाद मार्केट बिल्कुल बंद रह गया, कर्फ्यू हो जाएगा, समझ लो।